सब्सक्राइब कीजिए एमकेएस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी बटन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो, इस वीडियो में मैं कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करके दिखाने जा रहा हूँ। हाउ टू ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द इमेज इन अ कॉन्केव मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करना है और इस पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कंपास पे स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये ले लेने से इमेज आसानी से बन जाता है और अब इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखकर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे, ये जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा, तो ऊपर और नीचे एक आर्क लगाना है सेमी सर्कल से थोड़ा छोटा साइज का। इस आर्क पे बाहर से शेडिंग कर देना है क्योंकि कॉन्केव मिरर अंदर से रिफ्लेक्ट करता है, तो इसे बाहर से शेडिंग करना है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से जो भी रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है मिरर तक। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और दो नीचे। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मेरे को कट करता है वो पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का हाफ डिस्टेंस पे फोकस होता है, तो हाफ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मैंने लेकर यहाँ पे मार्क कर दिया, ये फोकस हो गया। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सारा रे फोकस से पास करेगा, तो इस पॉइंट को और फोकस को ज्वाइन करना है और इसी तरह से सारे पॉइंट्स को फोकस से मिला देना है। ये देखिए इसे भी मैंने मिला दिया और इस पॉइंट को भी मिला देना है, तो ये सारा रे ड्रॉ हो गया है। अब इस पे एरो मार्क कर देते हैं, ये मिरर की तरफ जा रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास करता है। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और फोकस पे इमेज बन रहा है तो इसे मैंने आई से मार्क कर दिया। अब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इज फर्स्ट real, second inverted, मतलब ये उल्टा बन रहा है, third highly diminished, इसका मतलब हुआ कि इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है पॉइंट साइज का, वेरी स्मॉल इन साइज, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनता है, तो फॉर्म्ड एट
फोकस। फाउंडेड फोकस। अब अगली डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। When the object is kept beyond the center of curvature, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इस लाइन पे 6 सेंटीमीटर कंपास पे लेकर एक आर्क लगाना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क कर देते हैं और फिर कंपास को रखकर ऊपर और नीचे एक आर्क लगाते हैं। अब इस आर्क को बाहर से शेडिंग कर देना है। ये देखिए शेडिंग कर लिया। अब सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को कट करता है वो पोल हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच 3 सेंटीमीटर लेकर एक मार्क कर देना है, क्योंकि ये पूरा 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया था। ये फोकस हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखते हैं और इसे ड्रॉ कर लिया। इस पे एक एरो लगा देना जो दिखाता है कि ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, इरेक्ट। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट से मिरर तक। ये देखिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देना है और इस पे फिर एक एरो लगा देना है। दूसरा रे ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट और फोकस को ज्वाइन करते हुए मिरर तक लाना है। और मिरर को जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वहां से फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये पहले वाला लाइन को जहां पे कट करता है वहीं पे इमेज ड्रॉ होगा। ये सारा एरो मैंने मार्क कर दिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इमेज है, और इस पे एक एरो नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट, इट इज रियल इन्वर्टेड थर्ड अ स्मॉलर इन साइज एंड फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।